अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं गुड बाय फरहत, शुभकामनाओं के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आपकी अपनी होस्ट सिमल शेख। तो चलते हैं वीडियो की जाने। सिमल शेख, यस, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टाइटल हिंदी में है 100 इंडिया बिलियन डॉलर रेलवे नेटवर्क। भारत बिछाएगा सऊदी अरब में 100 बिलियन से भी ऊपर के रेलवे नेटवर्क। दोस्तों, पिछले साल G20 हुआ और G20 में डील हुई भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की, जिसमें शिपिंग लाइंस और रेलवे रूट्स के माध्यम से भारत को पहले खाड़ी देशों के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, और फिर मिडिल ईस्ट को यूरोप के साथ जोड़ने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली ये है कि भारत और मिडिल ईस्ट की कनेक्टिविटी, और मिडिल ईस्ट के अंदर अलग अलग देशों के बीच कनेक्टिविटी तक तो ठीक है, लेकिन मिडिल ईस्ट से यूरोप को जोड़ने के लिए इसराइल और जॉर्डन के थ्रू होकर जाना पड़ेगा। पर इसराइल इस वक्त युद्ध में है फिलिस्तीन के साथ, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट के कई देशों के संबंध इसराइल से खराब चल रहे हैं, तो यहाँ दिक्कत आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिक्कत कभी सॉल्व होगी नहीं। बड़ी बात यह है कि आईमैक कॉरिडोर जो मनाया जा रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इसके पीछे चाइना की सुप्रीमेसी, इकोनॉमिक सुप्रीमेसी की कार्ट ढूंढना भी है, क्योंकि चाइना दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है अमेरिका को नीचे पछाड़ने के लिए, दुनिया की सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश बनने की राह पर है। और अगर उसने अपना BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सिल्क रोड जिसे वो कहता है, अगर वो बना लेता है तो इससे अमेरिका की बादशाहत को बहुत बड़ा खतरा है। तो अमेरिका चाहता है कि चाइना ऐसा ना कर पाए, इसीलिए उसने एक नया कॉरिडोर बनाया है, जिससे कि सारे देश जो हैं, खासकर एशियन कंट्रीज जो हैं, वो यूरोप से कनेक्ट करने के लिए भारत के थ्रू होते हुए यूरोप तक पहुंचे। और ये भारत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है अपॉर्चुनिटी, अवसर है। देखिए, भारत और मिडिल ईस्ट के बीच में कनेक्टिविटी के लिए भारत के पास कई सारे पोर्ट्स हैं। हमारा कांडला पोर्ट है, हमारा मुमरा पोर्ट है जो मुंबई का बंदरगाह है, तो कई सारे इलाके जो हैं हमारे पास में मौजूद है, जिससे हम पोर्ट्स के माध्यम से, समुद्री रास्ते से मिडिल ईस्ट तक के पहुंच सकते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट के आगे पहुंचने के लिए, मिडिल ईस्ट के अंदर ही मूवमेंट के लिए रेलवे नेटवर्क की कमी है। और हम सब जानते हैं कि भारत का मौसम कितना गर्म पड़ता है, और सेम जो है जो खाड़ी देश है वहाँ और भी ज़्यादा मौसम गर्म रहता है। ऐसी स्थिति में इस वातावरण में रेल नेटवर्क को बिछाने की जो महारत है वो भारत के इंजीनियर्स के पास, भारत के रेलवेज के पास मौजूद है। तो डेफिनेटली जब बात रेलवे नेटवर्क वाले सेक्शन की आएगी, तो ऐसी स्थिति में वहां पर रेलवे लाइन बिछाने का काम चलेगा, और यहां पर भारतीय कंपनियों को और भारत को बहुत बड़ा रेलवे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। ये देखते हुए कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क जो है वो भारत के अंदर, दुनिया के सबसे ज़्यादा लंबे रेलवे नेटवर्क में से एक गिना जाता है भारत का रेलवे नेटवर्क, और भारत ने सक्सेसफुली इसे ऑपरेट किया, तो उस एक्सपर्टाइज को अमेरिका चाहता है कि भारत दे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को, और खाड़ी देशों को भी कोई आपत्ति हमें नहीं लगता होगी दोस्तों। तो यहां पर भारत को एक बहुत बड़ा यहां पर अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है कि भारत जो है अपने रेलवेज जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है, अपनी रेलवे टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर सकता है, अपनी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिला सकता है आईमैक के अंदर, जो रेलवे नेटवर्क जो है स्थापित किया जाने वाला है उसको लेकर। देखिए, इस रेलवे नेटवर्क का उद्देश्य क्या होगा? रेलवे प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य एक सीमलेस व्यापारिक मार्ग बनाना है, जो भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप तक माल यानी कि गुड्स, ऊर्जा यानी कि एनर्जी इन द सेंस ग्रीन हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट करना है। भारत में ज्यादा उत्पादन हो रहा है ग्रीन हाइड्रोजन का, तो वो जाएगा मिडिल ईस्ट खाड़ी देशों तक के। मिडिल ईस्ट से तेल मंगवाना है तो वो भारत तक आ सकता है। तो ऊर्जा का, तो माल, ऊर्जा और सूचना, इंफॉर्मेशन, देखिए इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी इस रूट का इस्तेमाल किया जाएगा, और इंटरनेट केबल्स बिछाए जाएंगे जिसमें सबमरीन केबल्स भी शामिल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो तीन चीज़ों की जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है, एक गुड्स, दूसरा एनर्जी और तीसरा इंफॉर्मेशन इस आईमैक कॉरिडोर से। अब इसमें क्या होगा, कुछ एक रेलवे रूट्स बने हुए हैं अलग अलग खाड़ी देशों में, बट इनके बीच में इंटीग्रेशन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो इन सारे रेलवे स्टेशनों को आपस में जोड़ने का काम होना है। बहुत बड़ी जो है रेलवे लाइन बिछाने का काम भी होगा, दो रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करने का काम, नया स्टेशन स्थापित करने का काम, और वहां तक के रेल पटरियों को बिछाने का काम, उनके ऊपर रेल बनाकर दौड़ाने का काम, ये काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों। इसमें भारत का रोल इसमें बहुत बड़ा होने वाला है खाड़ी देशों के अंदर। इस नेटवर्क में केंद्रीय हब के रूप में भारत का इसका विकास और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। इसमें इंजीनियरिंग के ज्ञान, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान और सहयोगी देशों के साथ जॉइंट वेंचर में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट शामिल हो सकता है।
अरब देशों के साथ सहयोग तो है ही है। भारत को उम्मीद है कि सऊदी अरब यूएई और शायद जॉर्डन और इसराइल जैसे अन्य अरब नेशंस के साथ सहयोग करेगा। ये सहयोग भारत के पश्चिमी बंदरगाहों से जुड़ने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने पर केंद्रित होगा, जिससे मिडिल ईस्टर्न रेलवे नेटवर्क के साथ लिंक किया जा सकता है। देखिए, अगर बिजनेस वाइज देखा जाए, व्यापारिक लिंक्स का सुधार होगा और रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाकर प्रोजेक्ट का लक्ष्य लंबी दूरी पर माल की ढुलाई को अधिक कुशलता से और संभवतः कम लागत पर करने का लक्ष्य है। अब इन रेलवे लाइंस के माध्यम से न सिर्फ गुड्स की सप्लाई हो सकती है, बल्कि एनर्जी, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, और वहां से अगर बात करें इस तरफ भारत की तरफ आने की, तेल वगैरह हो गया, तो इसके लिए परिवहन बहुत आसान हो जाएगा। अब ट्रांसपोर्टेशन में चार्जेस कम पड़ेंगे तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों में भी गिरावट आएगी, और इससे भला दोनों ही देशों का होगा, चाहे वो खाड़ी देश हो अलग अलग प्रकार के और भारत। अगर ये रेलवे नेटवर्क बन जाता है तो दोस्तों इसमें भारत को बहुत फायदा होने वाला है। इससे व्यापारिक क्षमता देश की बढ़ेगी और रोजगार नए मिल सकते हैं। बात करें स्ट्रेटेजिक इफेक्ट की, रणनीतिक प्रभाव की, तो भारत और उसके गल्फ सहयोगियों के लिए यह नेटवर्क चाइना के बढ़ते प्रभाव को क्षेत्रीय और विश्व व्यापार में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे पहल के मुकाबले में एक रणनीतिक काउंटर बैलेंस के रूप में काम करता नजर आ रहा है दोस्तों, और यह भारत की बहुत सफलता है। चाइना का प्रभाव जो मिडिल ईस्ट पर हो रहा था वो कम हो जाएगा। चाइना जिस तरीके से पूरा कैप्चर करते जा रहा था इस इलाके को, वो नहीं कर पाएगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, और भारत यहां पर हावी हो जाएगा। खबरें निकलकर सामने आ रही कि भारत की LNT लार्सन एंड टूर्बो और GMR ग्रुप और अडानी ग्रुप ये एक्टिव हो चुके हैं इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में। इस कॉरिडोर के डेवलपमेंट में भारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट्स अडानी ग्रुप, लार्सन एंड टूर्बो और GMR ग्रुप्स का एक्टिव रोल देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें, जहां अडानी जो है वो हाइफा पोर्ट जो इसराइल में उसके पास मौजूद है, वो एसेट उसके पास मौजूद है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। और लार्सन एंड टूर्बो जो है वो बिड करने वाला है, वो शामिल होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग्स में जो रेल प्रोजेक्ट मिडिल ईस्ट के अंदर बनने हैं। उसको लेकर के रेल प्रोजेक्ट की बात करें तो लार्सन एंड टूर्बो जो है वो इंजीनियरिंग टेंडर्स भर सकता है यूएई ओमान रेल प्रोजेक्ट के लिए, जो कि कनेक्ट करेगी अबू धाबी को मस्कट और सोहर पोर्ट से। सोहर पोर्ट ओमान में है, और ओमान से फिर भारत को शिपिंग लाइन के थ्रू, शिपिंग रूट के थ्रू जोड़ दिया जाएगा। बड़ी बात यह दोस्तों, ये जो रेलवे वाला पार्ट है, ये मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में जो माल ढुलाई का समय है उसको 40% रिड्यूस कर देगा, और जो कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस कर देगा। तो जैसे भारत को माल भेजना है यूरोप की ओर, तो भारत से शिप से माल निकलेगा, ओमान पहुंचेगा, वहां से रेल रूट शुरू हो जाएगी, और फिर रेल रूट के माध्यम से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को क्रॉस करते हुए यूरोप में एंटर करेगा। तो भारत का माल यूरोप भी जल्दी पहुंचेगा, और मिडिल ईस्ट से यूरोप जो माल जाया करता था उसमें भी जो टाइम की है वो कमी आएगी, 40% गिरावट आएगी टाइम की, और कॉस्ट जो लगेगा ट्रांसपोर्टेशन का मिडिल ईस्ट से यूरोप पहुंचने में माल को, वो भी बेहद कम पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी इसमें फायदे वाली बात है। अब इससे भारत का जियोपॉलिटिकल प्रभाव, इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। भारतीय कंपनियों का इन्वॉल्वमेंट इस प्रोजेक्ट में जो है एक स्ट्रेटेजिक महत्व वाला है। इससे भारत का जियोपॉलिटिकल जो एक महत्व है वो पूरे रीजन में बढ़ता है, और साथ में संबंध जो हैं इन सारे सहयोगी कंट्रीज के साथ में काफ़ी अच्छे होंगे। इकोनॉमिक टाइज, व्यापारिक संबंध भी और ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, जितनी जल्दी ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है इसराइल और फिलिस्तीन के बीच, वो शांत हो जाना चाहिए, और अगर उसमें वक्त लग रहा है तो भारत और मिडिल ईस्ट के बीच के चैनल को कम से कम डेवलप करके रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात होगी चाइना को बीट करने के लिए। अब चूंकि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गया है इसराइल, तो इसराइल इस रूट में एंटर नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते चाइना चुपके से अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बीच में रुकावट आ गई है। तो यहां पर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को इनिशिएट करना चाहिए कि भारत और मिडिल ईस्ट के बीच में कनेक्शन एटलीस्ट स्टार्ट हो जाए, तो कम से कम खाड़ी देशों और भारत के बीच में व्यापार को बढ़ोतरी मिलनी शुरू हो जानी चाहिए। आपका इस पर क्या मत है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद जी जनाब, ये बहुत ही बढ़िया खबर है इंडिया के लिए, बहुत बढ़िया। और साथ साथ अक्सर बैक कैमरा हमारा जिक्र हो रहा होता है कि जब हम इस तरह की चीजें देखते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हम एक कदम और आगे था हमारी जोग्राफिया ही जरूर, पाकिस्तान की पोजीशन, मतलब इंडिया यहाँ है तो पाकिस्तान यहाँ है, तो मिडिल ईस्ट हमारे ज़्यादा करीब था, बहुत सारी चीज़ें हमारे ज़्यादा करीब थी। अब जैसे मैं कल परसों देख रहा था कि एक शिप जा रहा है बांग्लादेश से सऊदीया जा, तो मतलब हम उससे आधा पाकिस्तान जा पड़ा हुआ है, वो तो बांग्लादेश से आधा सफर, 75% सफर हो चुका होता है करीब है, यानी कि पाकिस्तान। तो हमारे यहाँ 14 लाख रुपए का हज हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पे सब पानी के जहाज से बांग्लादेश हाजियों, यानी खुदा मतलब हम मतलब बिल्कुल ही हैरत होती है कि यार हम पता नहीं क्या है, मतलब बेशक कमाओ, साथ साथ लोगों को भी सहूलत दे दो, लोगों को बिल्कुल हम मतलब क्या कह सकते हैं। अब ये वाली जो कहानी चल रही है, तो इसमें भी
मिडल ईस्ट के या यूरोप के करीब हम ज्यादा हैं, हम ज्यादा हैं, यानी हमारे लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी, हमारे लिए ज्यादा प्रोडक्ट बना के दुनिया को सेल करने का मौका हमारे लिए ज्यादा था। बलूचिस्तान हमारा कितनी देर में मस्कत पहुंचा है, कितना टाइम लगे पानी के जहाज को, और अगर अंडर वाटर टनल बनाई जाए तो बलूचिस्तान से कराची से टनल कितना ज्यादा लंबा होगा, कितनी कम कॉस्ट होगी। मतलब बहुत हैरत होती है कि यार जो अपॉर्चुनिटीज हम इस्तेमाल कर सकते थे या हम कर सकते थे वो आज दूसरा देश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनकी काबिलियत है, ये उनकी ईमानदारी है आज इंडिया की, कि आज इंडिया की सारी चीज़ें पूरे मिडल ईस्ट में अगर ट्रेनें बिजती हैं या पूरा पटरियां बिजती हैं तो जाहिर सी बात है इंडिया इस चीज़ में, मेरे ख्याल में इंडिया से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। बहुत सारे फायदे होंगे इंडिया को भी और तो बहरहाल ये कि देखें असल में हर चीज़ की जब तैयारी की जाती तो इंडिया ने सारी चीज़ों का सर्वे और तमाम चीज़ें उनके अपने रिसोर्सेज को उन्होंने इस्तेमाल करने के लिए और उसमें जो तरक्की करने के लिए अपनी चीज़ों को वो किया, डेवलप किया, सारी चीज़ों में उन्होंने अपनी कंट्री वाइज उसके अंदर तरक्की करके वो तमाम चीज़ें वहीं मैनुफेक्चरिंग करने का सिलसिला शुरू किया। आप जाहिर है कि जब इतनी चीज़ों में वो होल्ड कर लेगा तो फिर मिडिल ईस्ट वगैरह में जो है दुनिया को देगा, और ये ट्रेन बिछाएगा और इसमें सऊदी अरब के साथ कनेक्टिविटी होगी उसके बाद, तो ये जाहिर है तो तमाम इस तरह की वो चल रही है। और वो इस सिलसिले में इंडिया ने अपने आप को प्रूव भी किया है, दुनिया को मनवाया है अपने आप को, और दुनिया उसको समझती है कि ये इसकी कंट्री। कुछ लोग कहते हैं जैसे चंद्रयान चांद पे पहुंच गया इंडिया तो उसका क्या फायदा? सही बात है, लेकिन उसका बेशक इनडायरेक्ट फायदा, डायरेक्ट फायदा नहीं, तो इनडायरेक्ट बड़े फायदे हैं कि रिसर्चेस हैं उसको अगर छोड़ भी देते हैं सिर्फ ये खबर ही इंडिया को बहुत ऊपर ले जाती है। हां बिल्कुल, दुनिया बिजनेस में हां इमेज ओके के भाई हां कोई पावरफुल कंट्री है इसकी वजह से, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको कैसा लगा ये? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आला, जाहिर सी बात है फायदे ही फायदे हैं इंडिया को, इससे बिजनेस मिलेगा, पटरियां भी जाएंगी। तो ये तो सोच रहे हैं कि काश ये तारिक रोड से शाह फैसल तक जाती तो अभी बैठ के निकल जाती लूप बनाएंगे लोग, हाइपर लूप हाइपर लूप में क्या आप खुद चलेंगे इस वक्त तो नहीं, हाइपर लूप में खुद ही भाग के चले जाएंगे नहीं, हाइपर लूप दो मिनट में पहुंचा देंगे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, मजीद रोजगार खुलने वाले, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए।